गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अर्नाजा गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्कशीट नंबर 41 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स. दिस वर्कशीट फॉर 18th अक्टूबर 2021. टुडे आवर टॉपिक इज हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम इज एन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक बार ग्राफ, जस्ट लाइक बार ग्राफ. हेयर दिस इज गिवेन कंटिन्यूस क्लास इंटरवल, यानी कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको जब हम डाटा पे शो करेंगे तो आपको पता है जो कि आप ग्राफ बनाते हैं, ये दो एक्सिस होता है तो, और यहाँ पे जो दोनों मिलता है उसको हम कहते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु. अब इस पे देखिए हमें काम नहीं है, इसका जीरो से काम नहीं है. तो जहाँ से काम शुरू है 30.5 से शुरू है तो हम वहां तक पेज को मोड़ देंगे. ये लगभग इस तरह से वी लगा करके वो बनाया जाता है यहाँ, यानी पेज वहां तक मोड़ दिया गया. इसको हम कहते हैं किंक, इसका नाम होता है किंक. ठीक है, ये लगा करके मोड़ दिए जिससे यहाँ जरूरत नहीं है. अब जहां से जरूरत है वहां से हमने इसको यूज करा. अब वी रिप्रेजेंट द वेट ऑफ, तो इस पर हमने वेट लिखा और इस पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा. अब इसके बाद कह रहा है ये स्केल भी ले लिया. अब वी नाउ ड्रॉ रेक्टेंगल ऑफ वेट इक्वल टू द क्लास साइज. अब क्लास साइज के आधार पर हम जितने साइज है उसके आधार पर हम उसको वेट बना करके और जोड़ते गए. ठीक है, ये कंटिन्यूस होता है, बीच में गैप नहीं होता है, ये जस्ट लाइक सॉलिड फिगर की तरह आपको दिखता है. ठीक है, और इसी को कहते हैं हिस्टोग्राम. अब आइए, इसमें दिया हुआ ऑब्जर्व दैट सिंस देयर आर नो गैप इन बिटवीन कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल. अब इसके बीच में कोई गैप नहीं होता है. द रिजल्टेंट ग्राफ अपीयर्स लाइक सॉलिड फिगर. दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, व्हिच इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद कंटिन्यूस क्लासेज. ऑल्सो अनलाइक अ बार, मतलब जस्ट लाइक अ बार ग्राफ, वेट ऑफ बार प्ले इज सिग्निफिकेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन. यहाँ पे अनलाइक अ बार ग्राफ, यानी बार ग्राफ में जो आपको दिया हुआ होता है ग्रुप, इसमें बार ग्राफ में गैप छोड़ना होता है और समान विड्थ का लेना होता है, ऐसा इसमें नहीं है. जितना आपको ये क्लास साइज दिया हो उस हिसाब से कंटिन्यूस बनाना है. ठीक है, अब आइए आप हमेशा की तरह जो सवाल दिए जाते करने के लिए तो सवाल करें. ये दिया हुआ है रैंडम. अब हमेशा की तरह आपको सवाल दिए गए हैं बनाने के लिए, तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये यहाँ पे रैंडम सर्वे ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दिया हुआ है एज ग्रुप के. तो इसमें एज ग्रुप एज लिखा हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है. तो इसको हम यदि बनाते हैं तो देखिए हमें चाहिए इसके लिए दो टेबल बनाएंगे. तो ये मतलब दो बार लेंगे, दो एक्सिस लेकर के हम ये इस तरह से ड्रॉ करेंगे. आपको पता है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होता है. यहाँ पे हमने एक, यहाँ एक से लेके 17 तक हमारा पास ये दिया हुआ है. तो इसको एक्स एक्सिस पे लिख दिए और ये एज है तो एज ईयर्स में लिख दिए, 1 से लेके 17 तक बना दिए. और इसको वाई एक्सिस पे लेकर के नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को वाई एक्सिस पे लेकर के हमने ये बना दिया, दो दो का गैप लेकर के बना दिया. और यहाँ पे किंक की जरूरत नहीं है क्योंकि ओरिजिन के बाद जस्ट एक से शुरू ही है तो किंक की जरूरत नहीं है. अब यहाँ पे देखिए एक से दो के का 5 है. तो अब एक से दो यानी इस पे एक से लेके जाएंगे और ये 5 पे यानी ये रहा और इसको 2 से मिला देंगे. अब अगला है 2 से 3 में 3 है, यहाँ पे 2 से 3 में 3 है. तो ये 2 से 3 पे चलेंगे और उसमें 3 पे मिलाएंगे, यानी ये रहा 3, दीवार सटा होना चाहिए और इससे मिला दिए. अब अगला है 3 से 5 6, 3 से 5 यानी 3 से 5 ये रहा और 6 पे इसका वो लगाना है. तो ये यहाँ से हमने ले जाना है और ये देखिए 6 यहाँ पे, तो इसके बराबर और इसको यहाँ से बढ़ाए और इसको इसके साथ जोड़ दिए.
ठीक है, यह हो गया छह। अब अगला दिया हुआ है पांच से सात, पांच से सात में 12 है, तो 5 से 7 में 12 है, तो 5 से 7 ये रहा 5 से 7, और वहां से ले 12 तक ले जाना है इसको, यानी ये और जाएगा अभी 7 से 10 में 9, 7 से 10 यानी 10 यह रहा और उसमें 9 तक ले जाने हैं, तो देखिए 9 तक ले गए, इसको मिला दिए तो यह हो गया 9। अब अगला दिया हुआ है 10 से 15 में 10 तक, 10 से 15 में 10, ये 10 हो गया, और 10 से 15 कह रहा है तो यह हो गया 15, यहाँ तक। और इसके बाद है 15 से 17 में 4, तो 15 से 17 में 4, तो यानी 4 यहाँ पे है, इसको मिला दिए तो ये 15 से 17 में 4 आ गया। तो ये था आज का वर्कशीट। अब कह रहा हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर एज ऑफ बिलो 5, तो 5 से कम वाले कितने हैं, आप इसमें आप जवाब दे सकते हैं। 5 से 15 में कम क्या है, इस सबको देखिए, मतलब 5 से कम वाले तो इसको जोड़ देंगे, 6 3 9 5 14, तो 14 है इसका आंसर। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।